क्या खाओगी तुम? अरे बोलो ना यार। ए, ए, एक मिनट, कॉल आ रही है, कुछ मत बोलना, बेगम की कॉल है। हेलो, हाँ बेगम, रास्ते में हूँ। हाँ बहुत ट्रैफिक है, ज़िंग। हाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं शारे फैसल पे हूँ। हाँ बस पहुँच रहा हूँ, मैं घर पे आ रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। चलो ठीक है, पी 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 पी, अल्लाह हाफिज़। हाँ तो क्या खाओगी तुम? हाँ भाई, क्या ऑर्डर करना है आज? यार मैं तो कहता हूँ बारबेक्यू में कुछ कर लेते हैं। क्यों फैसल? यार मैं, एक मिनट यार, बेगम की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं इबाद और तहसीन के साथ रेस्टोरेंट आया हुआ था। तहसीन ने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है और इबाद ने कौन सी बात? ब्लैकिश ब्लू कुर्ता पहना हुआ है। मेन्यू कार्ड इस वक्त मेरे हाथ में है और 7:29 हो रहे हैं। मेरे मोबाइल की बैटरी 80% बाकी है। मेन्यू पढ़ के बताएं। मायो गार्लिक रोल, टिक्का रोल, चिकन चटनी रोल, चिकन चीज़ रोल, मलाई बोटी, कबाब रोल, पराठा, चपाती, सी कबाब, बिहारी बोटी, रेशमी कबाब, बिहारी टिक्का, मलाई बोटी, चंदन कबाब, शिनवारी टिक्का, तुर्किश कबाब, हुंजाई कबाब। जी बेगम, अब आप मुझे ठीक 5 बाद कॉल कर लीजिएगा। नहीं, मैं फ़ोन नहीं रख रही हूँ, मैं लाइन पर रहूँगी और सारी बातें सुनूंगी। अच्छा आप लाइन पर ही रहना चाहती हैं, ओके। भाभी को एक बात बताना, तो तू भूल गया, आज का बिल आप दे रहे हो। अच्छा मैं बता देता हूँ। हैं, एक काम करना, ये भी कह दे कि तहसीन अभी वहाँ जा रहा है, पल पल की खबर देना ज़रूरी है। समझा करो यार, सारा दिन बेकार जाता है, फिर ऑर्डर करो ना। अबे आराम से भाई, भाभी बच्चे डिस्टर्ब होंगे अंदर। कौन सी भाभी, कौन से बच्चे? मैं के छोड़ कर आ गया हूँ। मैंने बोल दिया भाई, एक दिन मुझे सुकून का चाहिए, मूवीज देखूंगा, दोस्तों के साथ बैठूंगा, चिल करूंगा। अभी कल की बात है, मेरी बेगम ने मेरे वॉलेट से बगैर पूछे पैसे निकाल लिए। फिर क्या, मैंने बोला बेगम आइंदा अगर तुमने मेरे वॉलेट से बगैर पूछे पैसे निकाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों देख रही थी मुझे? बेगम वो वॉलेट से पैसे आपने निकाले थे? हाँ तो? नहीं नहीं, अच्छा किया, कोई मसला नहीं। वैसे भी आप मुझसे पूछती और मैं मना थोड़ी करता, मैं तो बोलता निकाल लो, आइंदा भी अगर चाहिए ना तो निकाल लेना, ठीक है ना? लेकिन आपने सारे निकाल लिए, अगर 50 मिल जाए तो मैं ओके। भाईजान ये तो फिर भी बहुत बड़ी बात है, वॉलेट से पैसे निकालना। मेरी बेगम ने मुझसे बगैर पूछे मेरे मोबाइल से अपनी अम्मी को कॉल कर ली थी। ओए, फिर क्या, मैंने बोला आइंदा अगर मेरे मोबाइल से बगैर पूछे कॉल करी तो सीधा घर भेज दूंगा, अपनी अम्मी से डायरेक्ट बातें करती रहना। आप सुनाएं, मैं तो अभी अभी फ्री हुई हूँ। बेगम क्या हुआ? वो आंटी को सलाम कह देना। बोल दूंगी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लीजिए अब मैं थका हूँ मोबाइल, आवाज भी सही से नहीं आती। क्या कर रहे हैं यार हम लोग? देख यार, तुझे भी पता है कि ये सच नहीं है और मुझे भी पता है, खामखा झूठ बोल रहे हैं यार। खैर ये बता, जॉब कैसी चल रही तेरी? यार जॉब तो वैसे ही चल रही है, असल तो ऑक्टा एफएक्स से कमा रहा हूँ मैं। ऑक्टा एफएक्स, ये क्या है? भाई मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ ऑक्टा एफएक्स पर। फॉरेक्स एक बढ़ती हुई मार्केट है जो अभी भी इंतज़ार कर रही है अपने जीतने वालों का। जानी ऑक्टा एफएक्स एक बेहतरीन ऑप्शन है, इस पर आप कमाई कर सकते हो और अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा वो कैसे? यार इनके उर्दू ट्रेडिंग वेबिनार्स, डेमो अकाउंट्स और अप टू डेट एनालिटिक्स से आप सुकून से इंडस्ट्री में एंट्री मार सकते हो और ऑक्टा एफएक्स पे किसी भी कार्ड या लोकल पाकिस्तानी बैंक के थ्रू डिपॉजिट या विड्रॉल करवा सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस हैं यार। वाह यार बहुत आला, ये ऐप मिलेगी कहाँ से? टू बूस्ट योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, फैसल SAPT का प्रोमो कोड यूज करके अपने पहले डिपॉजिट पर 100% बोनस हासिल कर सकते हैं। डाउनलोड ऑक्टा एफएक्स फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वाह यार मैं भी डाउनलोड करता हूँ। बेगम की कॉल आ रही है। हेलो बेगम जी, लेने आ जाऊँ? कब? हाँ हाँ अभी आ जाता हूँ, मैं तो फारिग हूँ, आपको याद कर रहा था, बोर हो रहा था घर में। ठीक है ठीक, आ रहा हूँ ओके। यार मैं डाउनलोड तो कर लेता लेकिन अभी बेगम को लाना ज़रूरी है यार। हाँ हाँ भाई, बेगम पहले, लेकिन डाउनलोड कर लेना।
चल मैं निकलता हूँ। चल भाई उठ जा, घर आ गया। चलो ओके यार, जा रहा हूँ। एक मिनट, ये इतनी सैड शक्ल क्यों बनाई हुई है यार? सारी रात से बाहर हैं, बेगम को बताया तक नहीं है मैंने। बेलन लेके इंतजार कर रही होगी मेरा। अबे यार इधर आ। कैसा? ट्राई करता हूँ। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। बेगम, बेगम, अरे यार तुम यहाँ बैठी भी हो, सीन हो गया यार मेरे साथ। गाड़ी मार दी यार एक बंदे ने। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था यार, गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई यार, फिर झगड़ा भी कर रहा है मुझसे। एक तो गलती उसकी, ऊपर से लड़के बुला लिए, रात भर इसी टेंशन में गुजरी है। आपको लगी तो नहीं? यार लगी ना यार, क्यों नहीं लगेगी, दिमाग पे लगी मेरी, नई गाड़ी है यार। अजीब सीन कर दिया यार, मैं तो सोच रहा हूँ ये शहर ही छोड़ देते हैं यार हम लोग। सर में दर्द हो रहा है यार, चाय बनाओ यार मेरे लिए। अच्छा मैं भी लाती हूँ। हाँ बात, फॉर्मूला काम कर गया तेरा, आज रात भी बैठते हैं। हाँ यार मैं भी ठीक हूँ यार, बस तुम्हें पता तो है इतने काम होते हैं, अभी कमीज सी रही हूँ यार। फिर उससे पहले मैं चाय बना रही थी, चाय बनाने से पहले मैं कपड़े धो रही थी, फिर सुबह सुबह उठ के झाड़ू भी दिया था। पे यार कमर में दर्द हो जाता है, तुम्हें तो पता ही होगा। खैर चलो यार मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत सारे काम है। अभी मुझे आगे खाना पकाना है, फिर बच्चे के पैम्पर चेंज करवाने हैं, और फिर उसके बाद बर्तन भी तो धोने होते हैं हमें, वो तो हमारी कोई आके हेल्प करेगा नहीं। सही कह रही हूँ ना? चलो यार फिर बाद में बात करती हूँ, करते हैं कुछ प्लान। अल्लाह हाफिज़। सीलिया? हाँ हाँ बेगम, सीलिया। सुन भी लिया? हाँ सुन भी लिया, ताबेदार बेगम। Yo, once again I'm back around, rush it back in style.